हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है मुरली सिंह। आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। यहाँ पे मैं आपको फैब्रिकेशन रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाला था मूर्ख ग्राहक और मूर्ख कारीगर। अभी आज के वीडियो में हम बात करेंगे समझदार ग्राहक और समझदार कारीगर। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक हमने सीढ़ी लगाई है जो कि कस्टमर ने हमसे डिमांड करी थी कि हमें यहाँ पे लोहे की इस तरह की सीढ़ी बनानी है। फ़ोटो आप देख सकते हैं साइड में। तो हमने उनको बताया कि यहाँ पे जगह कम है, ये जो जगह है स्पेस जो है यहाँ पे, ये बहुत कम है। यहाँ पे जो सीढ़ी बनेगी बहुत ज़्यादा खड़ी बन जाएगी, मतलब आप जब वापस आते हैं सीढ़ी से नीचे तो आपको आने में दिक्कत आएगी, आपका पूरा इतना सा पैर टिकेगा सीढ़ी पर। तो इसलिए हमने ये सजेस्ट किया कस्टमर को, उनको भी पसंद आया ये वाला आइडिया। इनको क्या है, ऊपर जाने के लिए मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ, छत पे से ये हमने नीचे दो फास्टनर मार दिए हैं पत्ती लगा के, ताकि ये नीचे से हिले ना किसी तरह से। और ऊपर जाने का काम सिर्फ इतना ही है कि छत की सफाई हो सके। पिछले दिनों में यहाँ पे जब बारिश हुई थी तो छत की सफाई नहीं हुई, उसकी वजह से थोड़ा फर्श खराब होने की दिक्कत आ रही थी, इसलिए ये सीढ़ी लगवाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत पे थोड़ा पानी जमा हो रहा है कहीं कहीं, तो ये छत की सफाई हो जाए। महीने में एक बार चढ़ना है, रोज़ रोज़ तो ऊपर चढ़ना नहीं है। इसके चलते यहाँ पे भी हमने दो फास्टनर मार दिए हैं। अभी ये सीढ़ी पूरी फिक्स है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हम आराम से नीचे जा रहे हैं। आप देख सकते हो पहले यहाँ पे लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, तो ये सीढ़ी बनवाने में समझदार ग्राहक और समझदार कारीगर वाली क्या बात हुई, ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इसी जगह पे मूर्ख कारीगर होता और मूर्ख कस्टमर होता तो ये वही वाली सीढ़ी बननी थी जो आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं। उसके लिए क्या है, हालांकि मैंने सजेस्ट भी किया था कि यहाँ से ये सीढ़ी बनेगी ऐसे, उसके लिए ये दोनों जो एसी के आउटडोर हैं इनको हटाना पड़ता, बहुत मुसीबत हो जाती, काम बढ़ जा रहा था, इसलिए ये काम किया। दोस्तों वीडियो में एक चीज़ ऐड करना भूल गया था जो कि अभी मेंशन कर रहा हूँ, हमने कस्टमर को दोनों ही ऑप्शन दिए थे। अगर 16,000 रुपये वाली बीच में जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वाली सीढ़ी बनानी है तो उसके लिए जगह चेंज करनी पड़ेगी, एसी के वेंट हटाने पड़ेंगे दोनों आउटडोर जो है। अगर ये 16,000 वाली नहीं लगानी तो आप ये जो हमने 3200 रुपये की सीढ़ी लगाई है ये भी लगवा सकते हैं। इसका हमने कस्टमर को लगभग 3500 रुपये के आसपास एस्टिमेट दिया था, जिसमें से 300 रुपये कस्टमर के फिर भी बच गए हैं। तो ये होती है समझदारी वाली बात। हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि ये सीढ़ी ऐसे करके लग जाएगी, और ये लोहा जो है पाइप है हमारे यहाँ हरियाणा में एलनाबाद में 10 फरवरी का महीना, हमारे यहाँ एलनाबाद हरियाणा जिला सिरसा में लोहा 70 रुपये किलो आ रहा है पाइप। ये 70 रुपये किलो की पाइप है, 30 किलो टोटल पाइप खर्च हुई है इसमें, 2100 रुपये की पाइप और 1000 रुपये हमारी टोटल लेबर, जिसके अंदर हमने ये वेल्डिंग भी किया है, पूरी सीढ़ी बनाई है, लेके आए हैं नीचे से। ये दिखाओ, ये नीचे से सीढ़ी को रस्सी डाल के हमने खींचा है और यहाँ पे फिटिंग करी है। यहाँ पे 4 नट लगाए हैं, फास्टनर लगाए हैं, ऊपर मैंने आपको दिखा दिए, नीचे भी आपने देख लिए। क्योंकि छत पे जाने का काम बहुत थोड़ा सा काम है, महीने में एक बार जाना है, 15 दिन में एक बार जाना है, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 15,000 रुपये की सीढ़ी लगाई जाए। ये सीढ़ी टोटल बनी है 3100 रुपये की, 3100 रुपये की टोटल है। और आपके शहर में क्या रेट है लोहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके शहर में कारीगर क्या ले रहा है, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जो कारीगर भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कस्टमर का फ़ायदा करवाएंगे तो वो बार बार आपके पास आएगा, अगर आप अपनी जेब भरेंगे तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। हमारा यही तौर तरीका है, हम ऐसे ही काम करते हैं। 1000 रुपये हमने इस सीढ़ी की लेबर ली है, 2100 रुपये का लोहा, जिसके अंदर फास्टनर, पेंट, वेल्डिंग, उठाना, लेके आना, ले जाना सारा कुछ ऐड है। 100 रुपये कस्टमर ने दिए किराया, जो जिस गाड़ी पे, जो भी रिक्शे पे ये सीढ़ी आई है उस पर। अभी एक नज़र और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसीलिए लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था मूर्ख ग्राहक और मूर्ख कारीगर वाला, वो आपने देखा होगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हल्का है,
जल्दी गल जाएगा, टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को 20 साल हो गए लोहे का धंधा करते हुए, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत हमने नहीं देखी है। ये सीढ़ी बहुत ही आराम से चढ़ने में बहुत ही आसान है। एक बार फिर से आप देख लें, आसानी से आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। इसमें टोटल खर्चा हुआ 3200 रुपये, 3200 रुपये में सीढ़ी लग गई। नहीं तो यहीं पे अगर ये वाली सीढ़ी बनाते तो यहाँ पे 15000 रुपये टोटल कॉस्ट आनी थी, हालांकि ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है समझदारी वाली बात। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं इसी तरह की मूर्ख ग्राहक मूर्ख कारीगर वाली वीडियो आगे और लेके आता रहूँगा टाइम टू टाइम। आप किस तरह का क्या कुछ देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव हो तो वो मेरे साथ आप आके साझा कर सकते हैं। एवरी संडे रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, इस सीडी की कंप्लीट वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे डाली है, जिसमें मैंने कारीगर भाइयों के लिए कंप्लीट डिटेल से बताया है कितनी लंबी पाइप रखनी है और कितनी ये चीज़ चौड़ाई होगी, जबकि हाइट छत की 10 फीट है। और कस्टमर भाइयों के लिए मैंने ये भी बताया है प्राइस कितना, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी और वज़न कितना है, रेट क्या चल रहा है। आजकल दिसंबर का महीना 2020 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर का महीना 2021 की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स पे जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।